क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26. अ प्रोसेसर परफॉर्मिंग फेच और डिकोडिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड. सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा है कि जिस टाइम कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसी टाइम पे प्रोसेसर फेच भी कर रहा है और डिकोड भी कर रहा है. मतलब क्या है कि प्रॉब्लम ऐसे है कि एक इंस्ट्रक्शन जो था, हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन कई एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में कई सारे स्टेजेस हैं. पहली स्टेज क्या है? इंस्ट्रक्शन फैच. पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगा, उसके बाद में डिकोड होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड, उसके बाद में एग्जीक्यूशन, एंड देन फाइनली रिजल्ट विल बी रिटर्न बैक टू मेमोरी, राइट बैक. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस टाइम इंस्ट्रक्शन फैच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन और बाकी जो इंस्ट्रक्शन हैं वो फैच भी हो रहे हैं और डिकोड भी हो रहे हैं, लाइक दिस. ठीक है, कोई और इंस्ट्रक्शन उस टाइम पे डिकोड हो रहा है और कोई और इंस्ट्रक्शन उस टाइम पे फैच हो रहा है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है. यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइम ये इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है, उसी साइकिल में इंस्ट्रक्शन डिकोड, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है, अगला इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे जिस टाइम पे ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है उसी टाइम पे अगला इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है, और जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शन आई टू एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे आई थ्री जो है वो डिकोड हो रहा है. तो उस तरह से पैरेलल में प्रॉब्लम चल रही, पैरेलल में एग्जीक्यूशन चल रहा है. तो तीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं कितने साइकिल्स में, ये पहली साइकिल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सिक्स साइकिल्स हैं. तो छह साइकिल में तीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है. इसी तरह से आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ाते जाओगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा जब साइकिल पर इंस्ट्रक्शन वन हो जाएगी. ठीक है, सीपीआई वन, अभी क्या हो रहा है, अभी सीपीआई टू हो रही है. तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे सीपीआई वन हो जाएगी. तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पाइपलाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम. क्वेश्चन नंबर 27. एन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर डज बेटर कंपाइलेशन ऑफ द गिवन पीस ऑफ कोड, टेक्स एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड रिड्यूसेस इट्स प्रोसेसर टाइम, डज मेमोरी बेटर मेमोरी मैनेजमेंट. ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, तो कंपाइलेशन तो प्रोग्राम करता ही करता है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर है वो क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करने के साथ में कोड को ऑप्टिमाइज भी करता है. कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करता है कि जो लूप्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करेगा. तो कई तरह की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं हमारे पास में. तो ये क्या करता है कि जो प्रोसेसर है, जैसे अगर टेक्स द एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर आपका मल्टी कोर प्रोसेसर है तो कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को मल्टी उनको उस कोड को पार्ट्स में डिवाइड करके तब कंपाइल करेगा. ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर ऑप्टिमाइज्ड कंपाइलेशन यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. द अल्टीमेट गोल ऑफ ए कंपाइलर इज टू रिड्यूस द क्लॉक साइकिल फॉर ए प्रोग्रामिंग टास्क, रिड्यूस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड, बी वर्सेटाइल एंड बी एबल टू डिटेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ एरर्स. तो अगर मैं कहूँ, नॉर्मली हमें देखने में लगेगा कि आंसर डी है, लेकिन डी नहीं है, क्योंकि एरर्स जो है वो लॉजिकल एरर्स भी हो सकते हैं और कंपाइलर उन एरर्स को नहीं पकड़ पाएगा. ठीक है, कई टाइम बहुत टाइम ऐसा होगा कुछ एरर्स होते होंगे जो आप एग्जीक्यूट करने के टाइम पे पता चलेगा उन एरर्स को, कंपाइलर उन एरर्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा. तो रिड्यूसेस द क्लॉक साइकिल फॉर ए प्रोग्रामिंग टास्क, रिड्यूसेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड, इसको हम बोल सकते हैं अगर कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन करेगा, एक स्टेज है कंपाइलर में कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो उस स्टेज में क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को छोटा करने की कोशिश करता है कंपाइलर. क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन परफॉर्मिंग ए लूपिंग ऑपरेशन द इंस्ट्रक्शन गेट्स स्टोर्ड इन द कैश. तुम्हारे पास में कैश मेमोरी है और कैश मेमोरी के लिए को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. कैश मेमोरी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स जो भी सीपीयू रेफर कर रहा है मेमोरी से, जो भी एक्सेस कर रहा है उसको बोलते हैं रेफरेंस. सीपीयू मेमोरी को रेफर करता है कुछ भी एक्सेस करने के लिए, क्योंकि मेमोरी एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू सीपीयू. सीपीयू बहुत ही फास्ट डिवाइस है और आपके पास मेमोरी जो है वो थोड़ी स्लो है, साइकिल टाइम मिसमैच है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में. इसलिए हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी रखते हैं इन दो के बीच में. कैश मेमोरी थोड़ी फास्ट मेमोरी है सीपीयू मेन मेमोरी से, बट स्टिल स्लोअर देन द सीपीयू. तो जब भी आपको लेट से आपके पास में एक लूप है फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो लेट से ए प्लस प्लस, तो इस केस में क्या है, जो वेरिएबल आई है वो आपको हर बार हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट करना है. तो क्या होगा, सीपीयू को हर एक आइट्रेशन में आई वेरिएबल को मेमोरी से उठा के लाना, फिर उसको इंक्रीमेंट करना, फिर वापस मेमोरी के अंदर स्टोर करना, हर एक आइट्रेशन में ये करना पड़ेगा. तो बहुत ही मेमोरी एक्सेस जो है बहुत ही आपका
कॉस्टली हो जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, जो बहुत ही रिसेंटली एक्सेस्ड वेरिएबल्स हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हो, जिस भी डेटा को या जिस भी इंस्ट्रक्शन को आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हो, उसको आप कैश मेमोरी के अंदर रख लेते हो। तो आप क्या करोगे, मेमोरी से उठा के आई को कैश मेमोरी में ले आओगे और कैश मेमोरी में से इसको एक्सेस करते रहोगे। तो सीपीयू कैश मेमोरी से आई को एक्सेस करता रहेगा बार बार। इस केस में क्या होगा, मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कैश मेमोरी एक्सेस करने में कम टाइम लगता है कंपेरेटिवली टू मेन मेमोरी। सो कैश मेमोरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी मेड टू बी लेस देन 1 बाय फॉलोइंग पाइपलाइनिंग। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेप्स और यू कैन से नंबर ऑफ साइकिल्स, वैसे मैंने अभी बताया था कि पाइपलाइनिंग के जो सीपीआई है वो 1 होती है। सीपीआई मीन्स साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितनी साइकिल्स लग रही है। तो जब आप पाइपलाइनिंग देखोगे तो पाइपलाइनिंग में अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो सीपीआई 1 हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि साइकिल्स एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में एक साइकिल लगेगी। जैसे अगर मैं इस केस में देखूँ, मेरे पास में लेट से 3-4 इंस्ट्रक्शंस हैं। एक इंस्ट्रक्शन है I1, पहले वो फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट एंड देन राइट बैक। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन I2 आएगा, वो यहाँ से फैच करेगा, जिस टाइम डिकोड हो रहा है, जब I1 रिकॉर्ड हो रहा है तो जो फैचिंग यूनिट है वो फ्री है, तो आप इंस्ट्रक्शन फैच कर सकते हो। जिस टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो डिकोडिंग यूनिट फ्री है, आप डिकोड कर सकते हो। जिस टाइम राइट बैक हो रहा है तो CPU फ्री है, तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लाइक दिस राइट बैक। फिर इंस्ट्रक्शन I3 आया, वो फैच होगा यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन फैच, देन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन डिकोड, देन एग्जीक्यूट एंड फाइनली राइट बैक। तो इस तरह से ये साइकिल्स चल रही हैं। आप इस फॉर्म में टाइम चल रहा है और यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। तो ये साइकिल 1 है, ये साइकिल 2, एक साइकिल में एक स्टेज होगी लाइक दिस। तो यहाँ पे 6 साइकिल्स में 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं, 6 साइकिल्स एंड 3 इंस्ट्रक्शंस। तो इस केस में क्या हो रहा है, 2 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, 2 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब आप देखोगे तो पाइपलाइनिंग तो फ्री है, आप और इंस्ट्रक्शन ले सकती है पाइपलाइनिंग। ओके, तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही कम साइकिल्स में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सीपीआई 1 हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सीपीआई जो है बहुत ही कम हो जाएगी, एंड लेस देन 1 हो जाएगी अगर आप पाइपलाइनिंग यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 31, CISC एक तरह का कंप्यूटर है जो बहुत पहले यूज करते थे, जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, सी इज द राइट आंसर। दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, CISC एंड RISC। RISC मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 32, द इंस्ट्रक्शन एड 45 R1 डज। तो एक इंस्ट्रक्शन है इस तरह से, एड 45 हैश के साथ में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई वैल्यू हैश के साथ में लिखी होगी इसका मतलब क्या है कि इमीडिएट वैल्यू है। मतलब क्या है कि ये वैल्यू है, एक्चुअल में ये वैल्यू है ना कि एड्रेस। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है एड 45 R1, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ये एड्रेस है। जब भी कुछ 45 के साथ जब भी हैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इमीडिएट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है इंस्ट्रक्शन का, इसका मतलब ये कि R1 में ट्रांसफ़र करो R1 प्लस 45। तो R1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें 45 ऐड होके R1 अपडेट हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, एड्स द वैल्यू ऑफ 45 टू द एड्रेस ऑफ R1, नो नॉट एट द एड्रेस ऑफ R1, बल्कि एट द R1। अगर ये R1 ऐसे लिखा हुआ होता तो हम कह सकते थे कि एट द एड्रेस ऑफ R1, अगर इंस्ट्रक्शन तुम्हारा इस तरह से होता एड हैश 45 R1, तब हम कह सकते थे कि वो उसके एड्रेस पर एड कर रहा है, लेकिन ये सिंपली R1 है। एड 45 टू द वैल्यू ऑफ R1 एंड स्टोर्स इट इन R1, दिस इज ट्रू। फाइंड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ एड 45, नो। अगर ऐसे होता तो आप कह सकते हो कि मेमोरी लोकेशन है वो, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इन केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस मेथड द ऑपरेंड आर स्टोर्ड इन विच रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर और पुश डाउन स्टैक और कैश। तो इंस्ट्रक्शन कई तरह के हैं आपके पास में, जैसे जीरो एड्रेस हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की अगर बात करें तो ठीक है, वन एड्रेस, टू एड्रेस एंड 3 एड्रेस, और भी हैं, 4 एड्रेस की में जरूरत नहीं है, 3 एड्रेस तक काफ़ी है। इनका मतलब क्या है एड्रेस का, इनका मतलब ये है कि ऑपरेंड पार्ट एक होगा, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ऐसे होगा। हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है,
ये है आपका इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपरेंड को ही एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, एड्रेस फील्ड। ये आपका एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन का, जो ऑपरेंड फील्ड है। तो जीरो एड्रेस का मतलब ये है कि कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होगा, जीरो एड्रेस। एग्जाम्पल क्या है, पुश लाइक दिस, पॉप एंड एड मूव। तो इनके साथ में कोई भी, एज यू कैन सी, कोई भी ऑपरेंड नहीं है, कोई भी ऑपरेंड नहीं है इनके साथ में, सिर्फ ऑपकोड है, ठीक है। जैसे अगर आपके, मैं ऑपरेंड और ऑपकोड का मतलब क्या है, एड आर वन आर टू, ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें ये ऑपकोड है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है, इसको बोलते हैं ऑपकोड या ऑपरेशन कोड, और ये ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो जीरो एड्रेस में कोई भी ऑपरेंड नहीं होता है। वन एड्रेस में क्या होगा, वन एड्रेस का एग्जाम्पल है एड आर वन लाइक दिस, एड मेमोरी लोकेशन समथिंग। टू एड्रेस में क्या होगा, दो ऑपरेंड्स होंगे, ओके। यहाँ पे क्या है, वन ऑपरेंड है, वन एड्रेस मीन्स वन ऑपरेंड होगा, आर वन आर टू। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी तरह से इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के हिसाब से आपके पास मशीन है, जैसे एक्यूमुलेटर मशीन हो गई, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू कई तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसमें एक ऑपरेंड, अगर मैं कहूँ एक्यूमुलेटर में ऐसे हैं एड आर वन, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में ऐड करने के लिए आपको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ एक ऑपरेंड दिया हुआ है, एक्चुअल में जो दूसरा ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर के अंदर है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टैक है उसमें सिंपल जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है, जीरो एड्रेस। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, उसमें ऑपरेशन किस तरह से होंगे, पुश पॉप। तो एक्चुअल में जो ऑपरेशन कर रहे हो आप, वो किस पे कर रहे हो, वो कर रहे हो स्टैक पे। तो पुश का मतलब ये कि पुश द वैल्यू ऑन द स्टैक, पॉप का मतलब है कि वैल्यू जो टॉप ऑफ द स्टैक पे वैल्यू है उसको पॉप करो। ऐड का मतलब क्या है, ऐड का मतलब सिंपली यही है कि पॉप प्लस ऑपरेशन एंड प्लस पॉप, मतलब पहले टॉप वैल्यू को पॉप करो, फिर दूसरी वैल्यू को पॉप करो, उनको ऐड करो, फिर जो रिजल्ट आया उसको पुश कर दो, ठीक है। तो दो पॉप, एक ऑपरेशन एंड एक पुश ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है ऐड ऑपरेशन। तो ये जीरो एड्रेस है क्योंकि इसके साथ में कोई भी ऑप कोड नहीं है। तो इन केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड, द ऑपरेंड आर स्टोर्ड इन रजिस्टर इन पुश डाउन स्टैक। क्वेश्चन नंबर 34, एड 45, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग हैपेंस। एड 45 का मतलब क्या है, ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है पहली चीज तो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही ऑपकोड, एक ही ऑपरेंड दिया हुआ है। लेकिन इसको 40, आपने कहा ऐड 45, ऐड किस में करना है, जब भी ऐसा हो, मैंने अभी बताया किसका मतलब ये कि वो एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है। एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन मींस कि ये वैल्यू आपको एक्यूमुलेटर में ऐड करनी है और फाइनल रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर के अंदर ही रखना है। द प्रोसेसर रेजेस एन एरर एंड रिक्वेस्ट फॉर वन मोर ऑपरेंड, नो द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 45। एक्चुअल में ये मेमोरी लोकेशन है ही नहीं, ये इमीडिएट वैल्यू है, जिससे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हैश लगा हुआ होगा इसका मतलब क्या है कि वैल्यू है, ना कि एड्रेस। द वैल्यू 45 गेट्स एडिड टू द वैल्यू ऑन द स्टैक एंड इज पुश्ड ऑन द स्टैक, ये ट्रू है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या तो वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगी या फिर स्टैक की टॉप वैल्यू के साथ में ऐड होगी। क्वेश्चन नंबर 35, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर। इनडायरेक्शन पॉइंटर इसका मतलब क्या है कि डबल पॉइंटर। तो अगर सिंपल पॉइंटर यूज कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करोगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर आप इनडायरेक्शन पॉइंटर यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो पॉइंटर के केस में जहां पॉइंटर लिखा होगा, इसका मतलब समझ जाना कि लो लेवल लैंग्वेज पे, लो लेवल लेवल पे वो चीजें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36, इन द फॉलोइंग इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, ओके, एड्रेसिंग मोड बहुत तरह के होंगे, हम पढ़ेंगे उनको। मूव 5R1 लॉक, इंस्ट्रक्शन है किस तरह से, मूव 5R1 LOC लॉक, क्यों मेमोरी लोकेशन है, LOC का मतलब है मेमोरी लोकेशन।
तो इसमें इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस का मतलब यह है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ओके, पहले इफेक्टिव एड्रेस को जान लेते हैं क्या है। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, मेमोरी के अंदर ऑपरेंड कहाँ मिलेगा उसका एड्रेस, यह है इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, तो अगर आपके पास में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, लेट से आपका आपका इंस्ट्रक्शन इस तरह से है, मूव 3000 4000, इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव एड्रेस है आपका 3000 यहाँ पे, एंड इफेक्टिव एड्रेस है 4000, मतलब ऑपरेंड्स जो हैं डायरेक्ट ऑपरेंड का एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसमें ऐसे होगा मूव एट द रेट 3000, जहाँ भी एट द रेट लगा होगा समझ जाना कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, एट द रेट 4000। इसका मतलब ये है कि जो एड्रेस है ऑपरेंड का वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो इनडायरेक्टली दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब 3000 पे जाओ वहाँ पे एक एड्रेस मिलेगा लाइक 4002, उस एड्रेस पे आपको फाइनल ऑपरेंड मिलेगा जो वैल्यू होगी। इसका मतलब ये कि दो बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, एक बार इस एड्रेस पे जाने के लिए, फिर इस एड्रेस पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाकर वैल्यू को उठाने के लिए। तो दो मेमोरी एक्सेस यहाँ पे होंगे, दो मेमोरी एक्सेस यहाँ पे होंगे, फाइनली स्टोर करने के लिए दो मेमोरी एक्सेस और होंगे, तो 6 मेमोरी एक्सेस लगेंगे इसमें, इस केस में 3 ही लगेंगे। तो इसी तरह से इफेक्टिव एड्रेस इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें कैलकुलेट ऐसे होगा जो आपके एग्जाम्पल है, मू 5R1 LOC, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव एड्रेस है फाइव प्लस R1 के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसके अंदर 5 ऐड करो, और जो वैल्यू आएगी लेट से R1 के अंदर है बेस एड्रेस, लेट से R1 बेस एज ए बेस एड्रेस काम कर रहा है किसी एरे के लिए, तो 3000 प्लस 5 मीन्स 3005, इस लोकेशन पे आपको ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाने के बाद में आपको वैल्यू मिलेगी, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें ऐड कर देंगे R1 को, तो 5 प्लस R1 इज द इफेक्टिव एड्रेस। द एड्रेसिंग मोड इन विच यूजेज द प्रोग्राम काउंटर इंस्टेड ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर। हमारे पास में एक एड्रेसिंग मोड है PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, तो PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का मतलब यह है इसके थ्रू आप कहीं भी जंप कर सकते हो, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास में है एक इंस्ट्रक्शन JMP PCX, ठीक है, लाइक दिस। इसका मतलब यह है कि आपको जंप करना है कहाँ, ये जंप इंस्ट्रक्शन जंप करेगा किसी लोकेशन पे, आपको जंप करना है जो करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उसमें प्लस एक्स ऐड करो, एक्स को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी दूर जंप करना है डिस्प्लेसमेंट। लेट से आपका प्रोग्राम, आपके इंस्ट्रक्शन एज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यह है आपकी मेन मेमोरी, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं लाइक दिस। इंस्ट्रक्शन I1 जो है वो लोकेशन 2000 पे पड़ा हुआ है, और इंस्ट्रक्शन I2 जो है वो 2002 पर है, और I3 लेट से 2004 पर है, और यहाँ पे 2006, इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आप करते हो जंप PCX, और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये I1 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये जो I1 इंस्ट्रक्शन है ये है आपका JMP PCX, और सॉरी दिस इज रॉन्ग, इट इज एक्चुअली जंप XPC, ठीक है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन है I1। तो जिस टाइम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम काउंटर का है यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 2002, लेट से एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स की वैल्यू है 4, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस होगा एक्स प्लस पी सी, ऐसे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। एक्स क्या है 4, पी सी क्या है 2002, तो 2006 पे आप जंप कर जाओगे, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जंप टू 2006, तो फाइनली आप यहाँ के बाद में यहाँ जंप कर जाओगे 2006 पर, ऐसे PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड काम करता है। तो ये बात है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की। क्वेश्चन नंबर 38, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज इमीडिएट। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है कि जो ऑपरेंड है वो डायरेक्टली कहाँ है, आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है। कैसे, अगर इंस्ट्रक्शन आपका ऐसे है, एड
45 to R1. इसका मतलब क्या है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है. या फिर अगर मैं कहूँ मूव 45 टू R1, इसका मतलब क्या है कि R1 में मूव करना है वैल्यू 45. लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ऐसे मूव 45 R1, इसका मतलब एक्चुअल में ये कि एड्रेस है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी. मेमोरी लोकेशन 45 पे जो वैल्यू है वो इस ट्रांसफर करनी है. इन दोनों में डिफरेंस समझना. यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो 45 R1 में, यहाँ 45 लोकेशन है मेमोरी की, ये मेमोरी लोकेशन है. 45 लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ट्रांसफर करनी है. तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट जो आपका ऑपरेंड होगा वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 39, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज व्हाट. तो जैसे मैंने बताया था जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है उसमें ऐड कर दो बाहर की वैल्यू, इससे इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा. इफेक्टिव एड्रेस होगा इसमें 5 प्लस R1 प्लस R2, सिंपल, दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 40, एड्रेसिंग विच एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे मैंने अभी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में एक एग्जाम्पल दिया था, JMP XPC, ये PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है. इसमें क्या होगा, आप जंप कर जाओगे कहाँ पे, जंप टू एक्स प्लस PC. इसका मतलब यह है इफेक्टिव एड्रेस यहाँ से निकलेगा. तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को मॉडिफाई करके आप कहीं और जंप कर जाओगे. जैसे लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन में आप जंप कहाँ कर रहे थे, यहाँ से आप I1 एग्जीक्यूट करते करते जंप कर गए I4 पे, तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो था वो डिस्टर्ब हो गया. वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन. चेंज ऑफ नॉर्मल सीक्वेंस मतलब जंप लोकेशन, जंप आप यूज कर सकते हो, कहीं से कहीं जंप कर सकते हो. तो दैट इज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड. विच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑक्यूपाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी देन अदर्स. तो जो नंबर्स हैं उनको आप किसी भी, जो नंबर हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर. कैसे, कई तरीके से, जैसे साइनेड मैग्नीट्यूड. दूसरा तरीका है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. तीसरा तरीका है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. तो साइन मैग्नीट्यूड में हमें एक एक्स्ट्रा बिट रखनी होती है. साइन मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका 8 बिट का फॉर्मेट है, आप 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है. तो 8 बिट में से पहली जो बिट होगी वो साइन के लिए होगी, और बाकी जो 7 बिट्स होगी वो कहे के लिए होगी, वो मैग्नीट्यूड के लिए होगी. जैसे मेरा नंबर है -7, तो माइनस है, अगर वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे होगा 1 फॉर निगेटिव, एंड 0 के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 होगा. तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी. अगर 1 है तो मतलब नंबर निगेटिव है. तो -7 अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 क्योंकि नंबर निगेटिव है, साइन वाले फील्ड में आएगा 1, और मैग्नीट्यूड वाले फील्ड में आएगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 7 बिट्स में होगा लाइक दिस. ओके, 1 2 4, दैट इज 7. तो ये -7 का रिप्रेजेंटेशन होगा. यहाँ पे आप बहुत कम नंबर्स रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट में भी 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन. उसका सॉल्यूशन है टूज कॉम्प्लीमेंट में 0 का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. यहाँ पे -0 का अलग रिप्रेजेंटेशन है और +0 का अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. तो -0 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, -0 का रिप्रेजेंटेशन होगा 1 साइन वाले फील्ड में और मैग्नीट्यूड वाले फील्ड में 0. और यहाँ पे +0 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 एंड बाकी मैग्नीट्यूड वाले पार्ट में 0, क्योंकि प्लस का मतलब 0. तो दो रिप्रेजेंटेशन हो गए 0 के, -0 एंड +0 के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन. इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं. वो सबसे ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है साइन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू दिस साइन फील्ड. अलग से साइन फील्ड आपको रखना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 42, विच रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट एफिशिएंट टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द नंबर्स. सो टूज कॉम्प्लीमेंट इज द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस स्टोरिंग द नंबर्स इन द मेमोरी. अगर नंबर रिप्रेजेंट करने हैं मेमोरी के अंदर या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना है तो टूज कॉम्प्लीमेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है. टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, अगर मुझे नंबर करना है, लेट्स से 7 - 5 करना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, 7 + -5 करता हूँ, और -5 को पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे इसका, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उसको ऐड कर देंगे 7 के साथ में. इसे बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, ठीक है.
तो कोई भी निगेटिव नंबर होगा उसका उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी के अंदर, और जो पॉजिटिव नंबर होगा उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, पहले 7 का बाइनरी लिखेंगे, फिर -5 को टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐड कर देंगे 7 के साथ में, तो वो इक्वावलेंट होगा 7-5 के। क्वेश्चन नंबर 43, विच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो। जैसे हमने अभी डिस्कस किया साइन मैग्नीट्यूड भी और वंस कॉम्प्लीमेंट भी, दोनों के दोनों में टूज कॉम्प्लीमेंट जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑन -7 एंड 1 द आंसर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज वॉट। मुझे क्या करना है, -7 -1, ठीक है, -7 -1। तो मैंने कहा कि निगेटिव नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, -7 +-1 ऐसे लिख सकते हो। तो जो नंबर, अगर नंबर निगेटिव हो तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में। इसका बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी होगा सिंपली 1, क्योंकि निगेटिव नंबर है, 0 0 0 0 एंड 1 1 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका उल्टा, दैट इज 1। हम हमेशा याद रखना वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में साइन बिट को टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसका होगा 1 1 1 1 000। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 ऐड करते हैं, दिस विल बिकम 1 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। -1 का क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 0 1, ओके, दिस विल बी द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1, सॉरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 0। फाइनली ये है वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब दोनों के टूज कॉम्प्लीमेंट आ गए, -7 का टूज कॉम्प्लीमेंट ये है और -1 का टूज कॉम्प्लीमेंट ये है, इनको ऐड कर देंगे फाइनली। तो -7 -1 क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। तो नंबर आएगा 1 1 1 1 1 0 0 1, -7 हो गया और ये है -1 1 1 1 1, एंड ऑल ऑफ दीज आर 1, सो दिस विल बी 1 1 0, ओके, दिस विल बी 1 1 0, क्योंकि 1 1 0 एंड 1 कैरी, सो 101 110, दैट्स हाउ 110 110 00, दिस विल बी 1 इज कैरी हियर, तो 1 1 0 0 प्लस 1 1, लाइक दिस 1 1 0 0 प्लस 1 1 एंड 1 1 0 0 प्लस 1 1, लाइक दिस 1 1 0 एंड 0 प्लस 1 1 1 1 0 एंड 0 प्लस 1 1, सो दिस विल बी द 8-bit रिप्रेजेंटेशन। इफ ओके, आंसर्स आर इन 4-bit, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट देम इन 4-bits। सो इफ यू रिप्रेजेंट -7 इन 4-bits, इट विल बी लाइक दिस 0 1 1 1, ओके, इन इफ इफ यू टेक साइन माइनस, सो इट विल बी 1 1 1 1, ओके, एंड 1 विल बी लाइक दिस, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 विल बी 1 0 0 1, ओके, नेगेटिव 1, बिकॉज इट इज -7 एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -1, तो व्हाट आई एम डूइंग इज -7 प्लस -1, लाइक दिस, ओके, बिकॉज द नंबर इज, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, सो आई हैव टू रिप्रेजेंट देम इन टू द टूज कॉम्प्लीमेंट, सो मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना होगा। तो 1 1 1 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 000 एंड 1 0 0 1, ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा। फिर फाइनली आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 का, तो 1 0 0 1 बाइनरी में है, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा इसका 1 1 1 0 एंड टूज कॉम्प्लीमेंट होगा 1 1 1 1। तो आपको ऐड करना है किसमें, 1 0 0 1 में 1 1 1 1, क्योंकि ये दोनों टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गए हैं, तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 0 0 1 1, ओके, एंड यहाँ पे 1, क्योंकि कैरी। तो ये सिंपली क्या है, दिस इज 8 एंड दिस इज नेगेटिव, ओके, सो नेगेटिव 8, दैट इज द आंसर ऑफ -7 -1, सो दिस विल बी डी,
1000. Question number 45. When we perform subtraction on -7 and -5, the answer in 2's complement form is what? तो दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन करना है -7 -5, ये करना है आपको. क्या करना है मतलब -7 प्लस 5 करना है सिंपली. तो 5 तो पॉजिटिव हो गया, -7 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो -7 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 का बाइनरी है 1 एंड 1 दिस फॉर साइन क्योंकि नेगेटिव साइन है एंड 111. यह है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये 7 का बाइनरी है. इसका 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 1000. ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट में हम साइन बिट को नहीं टच करते. देन 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 1001, ये होगा 2's कॉम्प्लीमेंट. तो आपको 1001 में इस, अगर मैं इसको देखूं तो 1001 में आपको ऐड करना है क्या, प्लस 5, प्लस 5 का होगा 0101. तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर होना चाहिए -2. ओके, देखते हैं 1101 and 011 and 1. तो ये क्या है, 1000. 1100 दैट इज इन 2's कॉम्प्लीमेंट. दिस इज -6, 4 + 2, सो दिस विल बी बी 1100. तो जब उसका आप उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में वापस से कन्वर्ट करोगे तो आपको -2 मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 46. द प्रोसेसर कीप्स ट्रैक ऑफ द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन यूजिंग ए फ्लैग कॉल्ड वॉट. तो हर एक एरिथमेटिक ऑपरेशन होने के बाद में प्रोसेसर एक फ्लैग को अपडेट करता है, उस फ्लैग को बोलते हैं कंडीशनल कोड फ्लैग. ओके, इस कोड इस फ्लैग में क्या है, कंडीशनल कोड फ्लैग में क्या है, आपके पास में एक रजिस्टर है जिसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं. उसके अंदर बहुत सारे फ्लैग्स हैं, जैसे कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, जैसे कैरी ओवरफ्लो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, उसके बाद पैरिटी फ्लैग. तो इस तरह के कई सारे फ्लैग्स हैं जिनकी वैल्यूज अपडेट होगी हर एक मैथमेटिक ऑपरेशन के साथ में. जैसे मेरा ये ऑपरेशन था, इसमें ओवरफ्लो था. ओके, इस लास्ट वाले ऑपरेशन में एक ओवरफ्लो था, ये कैरी बिट है. तो इससे क्या होगा, कैरी बिट जो है वो जो कैरी फ्लैग है अब प्रोसेसर स्टेटस वर्ड में, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में वो अपडेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47. द रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर द फ्लैग्स इज कॉल्ड एज व्हाट. जैसे मैंने बताया अभी, फ्लैग रजिस्टर, या उसको स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं. एक्चुअली फ्लैग रजिस्टर नहीं है, वो स्टेटस रजिस्टर है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. द फ्लैग वी इज सेट टू वन इंडिकेट्स दैट. फ्लैग जो वी है ये ओवरफ्लो के लिए है, हमेशा याद रखना. सी फॉर कैरी, वी ओवरफ्लो के लिए, ए सी एक्सिलरी कैरी के लिए. जो सी फ्लैग है वह है कैरी फ्लैग, वी फ्लैग है वह है ओवरफ्लो फ्लैग, जो ए सी फ्लैग है वह है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. तो इस तरह कई सारे फ्लैग्स हैं, लाइक पैराइटी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग. ठीक है, तो ऑपरेशन इज वैलिड, वैलिडेटेड द ऑपरेशन एज रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो. सी क्वेश्चन नंबर 49. द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉलोड बाय कंप्यूटर्स टू मल्टीप्लाई टू अनसाइंड नंबर्स इज व्हाट. तुम्हारे पास में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो एल्गोरिथम्स हैं, एक है बूथ एल्गोरिथम और एक है रीस्टोरिंग एल्गोरिथम. जो बूथ एल्गोरिथम है उसको हम यूज करते हैं साइंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो रिस्टोरिंग एल्गोरिथम इसको यूज करते हैं अनसाइंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए. तो ये पूछ रहा है अनसाइंड नंबर्स के बारे में, और आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 50. व्हेन 1101 इज यूज्ड टू डिवाइड 1001 0001 0010 द रिमाइंडर इज व्हाट. सो व्हाट वी कैन डू इज हम सिंपली डिवाइडर के देख सकते हैं 1000 1001 0 डिवाइडेड बाय 1101. सो इट विल बी 1101, दैट इज 10. जो हमें सब्ट्रैक्शन करना है वो एक्सोर की फॉर्म में करना है 1, ठीक है, उसके बाद में हमने लिया 1. सो इट विल बी 1101, दैट मींस 1 1 XOR 0 1 XOR 0 1 0 XOR 1 1. नाउ वी विल टेक 0, सो इट विल बी 1101, दैट इज 1000. नाउ यू हैव टू टेक दिस 0 एंड यू विल टेक 0, देन टेक 1 अगेन, इट इज 0, देन टेक 0, सो इट विल बी 1, दैट मीन्स 1101 1111.
So 111 and 0. So this will be the remainder. That is B.